तो हमारी उम्मीद है कि आज ईद का दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने जो चरित्र अपना लिया है, तो जोगी जी तो उनके रोल मॉडल हैं, तो जोगी जी तो अपना फल प्राप्त कर लिए मनोवांछित। तो अल्लाह से डरिए, भगवान से डरिए, गुरु गोरखनाथ से डरिए, उनका दंड लग जाएगा आपको। तो हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर और हमारी संस्कृति रही है, हम तो कामाख्या भी जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं। तरीके से विरोधी लोग है, ये सब बृहस्पति को मुर्गा खाता है, ये सबका पता लगाइए ना। ये सब पहनता है चमड़ा का जूता, तो चमड़ा का जूता क्या चीज का बनता है जरा बतावे, भाजपा का नेता चमड़ा का जूता पहनता है कि नहीं, और चमड़ा का जूता किसका बात का बनता है। और एक सकारात्मक संदेश हम लोगों ने हमेशा पूरे देश को दिया, और दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं जो लोग हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। देखिए, तो आज ईद है, इस मौके पर नाथ रहस्य पाठ का आयोजन किया गया है जदयू एमएलसी नीरज कुमार के आवास पर। यहाँ पर जदयू के तमाम नेता प्रवक्ता जो हैं वो मौजूद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे नीरज कुमार जी से। नीरज कुमार जी, आज नाथ रहस्य पाठ का आपने आयोजन किया, पाठ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहिए? नाथ संप्रदाय जो गुरु गोरखनाथ की परम्परा है, और इसमें मोहम्मद बोध का पाठ सार्वजनिक रूप से किया जाता है, जो भी नाथ संप्रदाय दीक्षित है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंडलधारी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, गिड़ुआधारी हैं, तो स्वाभाविक है मोहम्मद बोध का पाठ करना कर्तव्य होता है। तो आज ईद का दिन है, तो हमने यह आईना इसलिए दिखाया कि इसमें यह कहा गया है कि राम तो रहीम है, साथ ही यह कहा गया है कि इसके साथ यह कहा गया कि हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, तो ये साझा संस्कृति हमारी है। और इसमें कहा जाता है कि 786 बार जो पाठ करता है उसको मनोवांछित फल मिलता है। तो गणेश जी का पूजा, आसन की पूजा के बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमारी उम्मीद है कि आज ईद का दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने जो चरित्र अपना लिया है, तो जोगी जी तो उनके रोल मॉडल हैं, तो जोगी जी तो अपना फल प्राप्त कर लिए मनोवांछित। तो अल्लाह से डरिए, भगवान से डरिए, गुरु गोरखनाथ से डरिए, उनका दंड लग जाएगा आपको, क्योंकि आपने एक गुनाह आप कर रहे हैं कि एक समाज के विशेष तबके के खिलाफ आप लगातार आपका वैचारिक अभियान चलते रहता है, जो आपके अंदरूनी जो आध्यात्मिक चरित्र है उसके विपरीत आचरण है। यह अकेले में तो आप मोहम्मद बोध का पाठ करते हैं, मनोवांछित फल लेने के लिए यह काम करते हैं, और बगल में, और ये शिव की परंपरा के हैं, ये महादेव की परंपरा है। तो हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर और हमारी संस्कृति रही है, हम तो कामाख्या भी जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं, तो जब इबादत करना हो, पूजा करना हो, इस उनसे लेना हो, तो जाकर के मांग लिए, और जब मांग के ले आए तो एक दूसरे के खिलाफ प्रवचन करना है, तो वही आईना दिखाया है हमने। लगातार बीजेपी के नेता धार्मिक बात कर रहे हैं, देखा जाए तो कल जिस तरीके से धर्म विरोधी लोग है, ये सब बृहस्पति को मुर्गा खाता है, ये सबका पता लगाइए ना। ये सब पहनता है चमड़ा का जूता, तो चमड़ा का जूता क्या चीज का बनता है जरा बतावे, भाजपा का नेता चमड़ा का जूता पहनता है कि नहीं, चमड़ा का जूता किसका बात का बनता है। अभिषेक जी, नाथ रहस्य पाठ का आयोजन किया गया है, अभी पहुंचे हैं, आपने भी पाठ किया है, क्या कुछ कहिएगा इस कारण? देखिए, हम गंगा जमुनी तहजीब वाले संस्कृति के लोग हैं, हम कहते हैं कि राम तो रहीम है, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और एक सकारात्मक संदेश हम लोगों ने हमेशा पूरे देश को दिया, और दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं जो लोग हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अकेले में तो उसका पाठ करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों से परहेज करते हैं। सार्वजनिक मंच पर क्या कहते हैं कि मौलानाओं को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, उनकी इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, ये देश दुनिया में जहाँ जाते हैं इनको शक की निगाह से देखा जाता है, हमारे साधु संत जहाँ जाते हैं उनको इज्जत और सम्मान दिया जाता है। हम किसी धर्म जाति से आते हैं, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलकर उसका राजनीतिक लाभ अगर ये लेना चाहेंगे, राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहेंगे, हम नहीं होने देंगे। तो आपने सुन लिया नीरज कुमार और अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे थे। नाथ रहस्य पाठ का आयोजन किया गया था, इस मौके पर नेताओं ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से भाजपा वाले तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। तो वहीं देखा जाए तो पीछे में कहीं ना कहीं नाथ रहस्य पाठ का वो लोग भी
कहीं ना कहीं पाठ करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे दोनों प्रवक्ता आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।